कब से करे है तेरा इंतजार। अच्छा इसको तो बिल्कुल ऐसे टाइट करना है। मैं यार निकाल के ये देखो सुबह सुबह कितनी मेहनत की है मैंने, दोनों को टाइट कर दिया है। और यूज़ करना पड़ा हमारे पेचकस महाराज, ये पेचकस महाराज ने ठीक किया है काम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम क्या लग रही है वैसे इसमें? अभी चेक कर रहे हैं, नीचे निकाल के पता नहीं। अल्कलाइन क्या होती है? ये जो है ना खराब हो गई है इसकी। अच्छा ये चेंज होगी। और दूसरा क्या बोला आपने? साइड में ये बल्केट लीक कर रहा है, ये चेंज। अच्छा क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी? इसमें टोटल आपको 1200 रुपए खर्चा आ जाएगा। ठीक है 1100। लेकिन ये जो आप अल्कलाइन का बोल रहे हो क्या कहते हैं कि 6 मंथ्स का इसमें रहेगा, तो इसका क्या पूरा पैसा अभी लोगे आप या एक हफ्ता हम पहले देख लें? ठीक है तो आपको हाफ ही आज करते हैं अमाउंट, और उसके बाद हाफ आपको फिर एक हफ्ते में ठीक रहता है पूरा तो पेटीएम कर देंगे। ठीक है आपका वाला तो ये बहुत छोटा सा लग रहा है, 4 इंच। बट ये इसमें रुक जाएगा क्योंकि पहले वाला तो काफी और चेंज होगा यहाँ पे इसके पीछे जो था जो साइड में पाइप लीक कर रही थी। अच्छा आपने पाइप चेंज की है, क्या बोलते हैं इसको? बल्कट बात करते हैं। बल्कट कैंडल लगा दी आपने इसमें? इन्होंने चेंज किया है और इन्होंने बोला कि हर 12-13 महीने बाद ये चेंज कराना चाहिए बिकॉज इसमें काई जम गई है और इससे बॉडी को नुकसान होगा अगर हम ये वाला पानी पीते हैं तो। पता नहीं हमें तो हमने ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 3 महीने पहले ही चेंज कराया जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अल्कलाइन बोलते हैं इसे और ये इन्होंने ये वाला लगाया है और एक ये कैंडल चेंज की है। भाई साहब आ गए हैं झूला ठीक करने के लिए। ये गिरा है ना, ये रह गया था अंदर। बताओ यार इतना भारी चीज ये टूट कैसे सकता है कभी? उसी वजह से टूटा है जो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और कोई कारण तो नहीं बनता। अब इसको भी डाल के मोड़ दो, मैं झूला देता हूँ पूरा। कहता हूँ मैं जो काम एक बार हो चुका बताओ दोबारा हो रहा है। और वो तो शुक्र है कि बच गए, हमारे सर पे नहीं गिरा। बताइए हाँ दबाना पड़ेगा थोड़ा दबा दो, ये अभी खुला खुला दिखाई दे रहा है ना। हाँ अभी हाइट तो वैसे ज़्यादा दिख रहा है लेकिन ठीक है, एक बार लगा के देखते हैं। वो देना क्या नाम है, सुनुज भी प्लस। पिछली बार थोड़ी हाइट 1.5 फुट थी तो ये शायद 2 फुट होगी, अब ऊंचा हो गया थोड़ा। ठीक है लेकिन कंफर्टेबल है। कहीं से निकलने वाला पानी तो भरा हुआ है पूरा फुल है, तो ये वाला लीकेज मेरे ख्याल से जो पानी भरा रहता होगा ना तो यहीं से हल्का हल्का लीक करके अभी तो नीचे टंकी के नीचे बैठा हुआ नहीं तो यहाँ आ जाता है। फुल है, हाई नहीं मेरे ख्याल से।
ये अंदर से टाइट हो रहा है क्या? अंदर से खोल रहे हैं इसको, खोल के फिर टाइट करेंगे। अच्छा निकाल लेना। हाँ इसको फंसा देते हैं, आ जाओ चलो आ जाओ, इससे कम से कम झूला थोड़ी नीचे आ जाएगा, करके देखते हैं। फंस गया भाई साहब, झूला ही फंसा गया यार। ये शाम मस्तानी मद होश किए जाए। What's up guys? आज सुबह से मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा बिजी था जिसकी वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया हूँ। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर जो ऐसे जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं और बोलते हैं कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ही बेहतरीन व्लॉग। ये देखिए लड़का मेरे लैपटॉप पे बिल्कुल ऐसे टाइप कर रहा है जैसे कि पता नहीं क्या करने वाला है, और ऐसे लग रहा है आपने कभी ऐसा देखा है इस तरीके के लड़के को देखा है? बस ये सारा दिन ये पुणे सुपरस्टार की एक्टिंग करता रहता है, बोलता रहता है कि मैं ऐसे ही करूंगा। क्या आपको आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? क्या फुकरा इंसान जीतेगा या एलविश यादव? एलविश यादव नहीं जीतेगा। क्या बताना चाहेंगे जल्दी से? फुकरा फुकरा इंसान जीतने वाले हैं। ये है महाराज आवी की भविष्यवाणी। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताइए। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ कोर। चलो कैमरा ऑफ करते हैं और आपको बताते हैं। एक फोन आ रहा है, हमारे सर जी आ गए हैं। ये देखिए ये है हमारे फिजिक्स वाला, जो कि अभी फिजिक्स वाला की तरह पूरे बताने वाले हैं। अच्छा गेमर बना टॉप, ओके। और सर जी के बारे में, खान साहब के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है आवी महाराज बताइए? चाय भुट्टा संगीत भुट्टा ना, इसको थोड़ा सा पलटते रहो, जल जाएगा नहीं तो, जल जाएगा नहीं तो। ये देखो जल भुट्टे कोई चबा गया है क्या? ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये चिंग खाएगा वो? अरे चिंग ले लो। ये संगीता जी ये देखिए ये कैसे भुट्टे को बिल्कुल छिलके फेंके जा रहे हैं यहाँ पे, और ये बताया जा रहा है ये सारे के सारे छिलके चलो डालो डस्टबिन में। आज हम दिखाएंगे छिलके कैसे डस्टबिन में उठा के डाला जा रहा है, जैसे हिमाचल की वादियों में इतना नुकसान हुआ है। ये देखिए ये आलू उबाल दिए गए हैं और इसका बनाया जाएगा आलू का भरता या फिर पराठे बनेंगे, और आज मैंने दूसरा रौद्र रूप ले लिया है और मैं बताऊंगा कि कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है। इसमें जाओ लो चाय पत्ती, चाय पत्ती। पूजा भट्ट के पापा का नाम क्या है? ये सब क्या बोल रहा है? कंटेंट लगता है पुअर कंटेंट, बताओ पुअर कंटेंट। पापा का नाम क्या है? क्यों बताऊं मैं? नो ऐसे कंटेंट में मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं जब 50 साल के हो जाओगे तब मुझसे बात करना। जब 50 साल के हो जाओगे तब मुझसे मिलना आप, ठीक है? आप में अभी बहुत ज्यादा गलत बोला है। आपको ये काम आता नहीं है क्योंकि आप इस काम के लायक नहीं हो। ओह माय गॉड, ये देखो ये वेस्ट इंडीज के बुट्टे हैं, ऐसा लग रहा है ये इंडिया इंडिया के बॉलर और ये वेस्ट इंडीज के बैट्समैन। इंडिया के बॉलर कुछ कुछ इसमें भी है और ये क्या इंडिया के बैट्समैन नहीं है क्या? यार तू छोड़ दे भाई, तू मेरी आंख में मारता है। और ये हमारी गर्मा गर्म चाय और हमारे पापे और यहाँ पे हमारी हट पुराना पार्टी हो रही है। इंसान की तरह रहो इंसान। आप अपने आप को ऐसे भी बोल लो। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था, इनफैक्ट आज ऐसा लग रहा था वर्किंग डे था, लैपटॉप ऑन था सुबह से ही और लैपटॉप अब ऑफ हुआ है समझ लो। इनफैक्ट अभी भी 1 घंटा मुझे और काम करना है, जा रहा हूँ मंडे की तैयारी करने, कल इम्पोर्टेंट डे है, मंडे है, मिलते हैं थोड़ी देर में। रात हो गई है और ये डिनर वाली चाय पी जा रही है अभी बड़ा।
ये जमाना।